नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग विल्फ्रेडो परेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट थियरी ऑफ पावर देखेंगे। एलीट थियरी ऑफ पावर, इसका मैंने क्लासिकल पार्ट अभी मतलब पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में मैं विल्फ्रेडो परेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट थियरी ऑफ पावर डिस्कस करूंगा। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स का भी ये कभी कभार आपको पूछा जाता है कि लायन एंड फॉक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ये बेसिकली पॉलिटिकल थियरी है, जो मैं बोलूँगा वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो इस थियरी को अच्छे से देखना। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन विल्फ्रेडो परेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट थियरी, तो सबसे पहले आपको क्लासिकल एलीट थियरी का डेफिनेशन देना पड़ेगा, और बाद में विल्फ्रेडो परेटो का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विल्फ्रेडो परेटो कौन था। Pareto was an Italian engineer, sociologist, economist, political scientist and a philosopher. वो एक बहुत ही versatile इंसान था, और he is known for his contribution in elite theory of power, जो मैं इस lecture में explain कर रहा हूँ। Concept of Pareto efficiency, ये economic efficiency का एक principle है, और 80-20 principle, जिससे वो कहना चाहता है कि 20% चीज़ें करने से 80% results मिलते हैं। तो इस lecture में हम लोग विल्फ्रेडो परेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट थियरी ऑफ पावर देखेंगे, और ये पॉलिटिकल थियरी है, तो जो मैं बोलूँगा वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स से आप लिंक कीजिए। परेटो डेवलप टू कॉन्सेप्ट्स इन द एलीट थियरी ऑफ पावर, लायन एंड फॉक्स कॉन्सेप्ट और सर्कुलेशन ऑफ एलीट कॉन्सेप्ट। इनसे वो कहना चाहता है कि लायन लाइक लीडर्स और फॉक्स लाइक लीडर्स होते हैं, जिनको मैं अभी लायन एंड फॉक्स बोलूँगा शॉर्ट फॉर्म के लिए। अभी लायन लाइक लीडर्स होते हैं और फॉक्स लाइक लीडर्स होते हैं, ये दो ही प्रकार के लीडर्स होते हैं जो हमें गवर्न करते हैं। और सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, यानी भले लायन आए या फॉक्स आए, लेकिन एलीट लीडर्स ही हमें गवर्न करेंगे। एक एलीट लीडर जाएगा, दूसरा एलीट लीडर आएगा, ये साइकिल बना रहेगा। कोई कॉमनर, कोई नॉन एलीट इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, इसके अंदर नहीं घुस सकता। ये वो कहना चाहता है सर्कुलेशन ऑफ एलीट कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम लोग लायन एंड फॉक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। परेटो स्टेट्स दैट इन ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर्स, लायन लाइक एलीट लीडर्स एंड फॉक्स लाइक एलीट लीडर्स। तो लायन एंड फॉक्स बोल के आपके दिमाग में जो पहली तस्वीर आती है वो एक शेर और लोमड़ी की आएगी। तो शेर कैसा होता है? शेर जंगल का राजा होता है, वो चला मतलब वो ट्रेडिशनली जंगल का राजा उसे माना जाता है। वो एक शेर दिल इंसान होता है, बहुत ही ब्रेव होता है। और फॉक्स जो होता है वो चालाक लोमड़ी होता है, वो कोएलेशन में काम करता है, मतलब ग्रुप में रहता है, ग्रुप में शिकार करता है, और शेर की बची हुई शिकार के ऊपर वो अपना हक जमाता है। तो यही जो ट्रेट्स है वो लीडर्स में भी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स में भी होते हैं, जिसे वो कहना चाहता है विल्फ्रेडो कि लायन लाइक एलिट्स होंगे और फॉक्स लाइक एलिट्स होंगे। तो परेटो एम्फसाइज द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी ऑफ द एलिट्स, बिलीविंग दैट दे वेयर द हाइएस्ट एकम्प्लिशर्स इन एनी फील्ड। परेटो अभी कहता है कि लायन और फॉक्स, इन दोनों को छोड़िए, पूरी इंडस्ट्री को सिर्फ एलिट डोमिनेट करेंगे। एलिट जो होते हैं वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली नॉन एलिट से और कॉमनर से कई गुना आगे होते हैं, इसीलिए वो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। ही डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिट्स, गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स। गवर्निंग एलिट्स यानी हमारे पॉलिसीज जो बनाते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ जो गवर्न करते हैं, जैसे कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लीडर्स, यानी एमएलए हो गए, एमपी हो गए, और पुलिस ऑफिसर्स, ये सभी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये हमारे गवर्निंग एलिट्स हैं। और नॉन गवर्निंग एलिट्स, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स तो नहीं है और हमारी डे टू डे लाइफ गवर्न नहीं करते, लेकिन अपनी अपनी इंडस्ट्री के ये लोग लीडर्स होते हैं, और हमारी डे टू डे लाइफ में भी इनका एक योगदान होता है। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे और अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमारी कोई केस आए तो हम लोग एक अच्छे लॉयर के पास जाएंगे। जे एग्जाम्पल अगर हम लोग नॉन गवर्निंग एलिट्स का देंगे और पर्टिकुलरली लॉ फील्ड का लेंगे, तो हमारे कपिल सिब्बल साहब है, हरीश सालवे जी है, इनको हम लोग लॉ फील्ड के लीडर्स बोल सकते हैं, एलिट बोल सकते हैं। ये हमारे नॉन गवर्निंग एलिट्स हैं।
He also extended the idea of whole elite can be replaced by a new one and how one can circulate from being elite to non-elite. यानि इसमें वो मतलब विल्फ्रेडो परेटो ये कहना चाहता है कि लायन के बाद में फॉक्स आएगा और फॉक्स के बाद में फिर से लायन आएगा, लेकिन कोई भी हो जाए मतलब कोई भी सिचुएशन हो, लीडर्स तो एलीट ही रहेंगे, नॉन एलीट और कॉमनर उसमें इंटरफियर या फिर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग लायन और फॉक्सेस के ट्रेट्स देखेंगे, यानी लायन लाइक लीडर्स के क्या फिजिकल ट्रेट्स होते हैं। दे आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे फोकस अपॉन यूनिटी एंड टेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन द गवर्नमेंट, हाउएवर दे लैक द श्रूड एंड कनिंग नेचर विच इज वाई दे इवेंचुअली बिकम वीक। When they become weak, fox-like elites replace these leaders. इसमें विल्फ्रेडो परेटो ये कहना चाहता है कि lion-like जो leaders होते हैं, lions जो होते हैं, वो traditionally leaders होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं खानदानी leaders, जिसका बाप leader था, दादा leader था, जिसकी हम लोग सालों से इज्जत करते आ रहे हैं। ये conservative nature के होते हैं, यानी चले आ रहे होते हैं। ये जो होते हैं यूनिटी और स्ट्रांग डिसीजंस लेते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए, ये यूनिटी यानी एक दूसरे से संबंध बना के रखना चाहते हैं, आपसी संबंध अच्छे रखते हैं। हाउएवर इनके पास में ये जो चालाक लोमड़ी की जो चालाकी होती है, यानी श्रूड और कनिंग नेचर इनके पास नहीं होता, और इसी का फायदा उठा के फॉक्स जैसे लीडर्स जो होते हैं, यानी चालाक लोमड़ी जैसे जो लीडर्स होते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं। इवेंचुअली लायन लाइक लीडर्स वीक होते जाते हैं और इसी का फायदा लेके फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी जैसे लीडर्स इसमें अब सरकार के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। अभी हम लोग फॉक्स लाइक एलीट लीडर्स के फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स देखेंगे। फॉक्स लाइक एलीट्स आर वेरी श्रूड एंड कनिंग इन नेचर, दे ऑफन वर्क इन कोएलेशन, द नेचर ऑफ देयर मेथड इज डिवाइड एंड रूल, पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा एक्सेट्रा, but fox-like elites lack courage and ability to take strong decisions for the betterment of the country or their organization. Hence, lion-like elites again regain the power. तो fox जो होते हैं चालाक लोमड़ी की तरह होते हैं, shrewd होते हैं, cunning होते हैं, वो आपस में गठबंधन बना के काम करते हैं, coalition बना के काम करते हैं, जैसे एक आम लोमड़ी झुंड में रहता है, झुंड में attack करता है, झुंड में शिकार करता है, उसी प्रकार से ये जो फॉक्स जैसे लीडर्स होते हैं वो झुंड में रहते हैं। द नेचर ऑफ देयर मेथड इज डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का मतलब है फूट डालो और राज करो। पब्लिसिटी करते हैं ये लोग, अपने जो फॉल्स काम होते हैं उनकी वो पब्लिसिटी करते हैं, प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाते हैं, और फॉक्स लाइक लीडर्स झुंड में रहते हैं और इसी की ये उनका मोडस ऑपरेंडी यानी मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है। लेकिन इनका सबसे मतलब सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ये है कि ये बड़े डिसीजन लेने से कतराते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक फॉक्स के सामने, एक अकेले फॉक्स के सामने अगर कोई शेर आ जाए तो जिस प्रकार से घबराता है, वैसे ही ये जो फॉक्स लाइक लीडर्स होते हैं कोई बड़ी सिचुएशन, कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए तो वो कतराते हैं, वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकते और उसी की वजह से वो इवेंचुअली वीक होते जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे एक लोमड़ी के सामने एक शेर आ जाता है और शेर उसको शिकार करता है, ठीक उसी प्रकार से शेर जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो फिर से अपना पावर को रीगेन करते हैं, ये विल्फ्रेडो परेटो कहना चाहता है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, अभी हमने ये देखा कि जब लायन वीक होगा तो फॉक्स आएंगे, जब फॉक्स वीक होगा तो लायन जैसे लीडर्स उसकी जगह लेंगे। लेकिन आपने अगर एक चीज गौर की होगी तो एलिट शब्द दोनों में कॉमन है, तो यही सर्कुलेशन ऑफ एलिट की वजह से विल्फ्रेडो परेटो कहना चाहता है, कोई भी सिचुएशन हो, भले लायन आए या फॉक्स आए, लेकिन जो लीडर्स होंगे वो एलिट ही रहेंगे, हमारा जो कॉमनर्स है या फिर नॉन एलिट लीडर्स इनमें कोई जगह नहीं ले सकते, हमारे जैसे कॉमनर्स इनमें जगह नहीं ले सकते, ऐसा विल्फ्रेडो परेटो इस थियरी के अंदर इम्प्लाई करना चाहता है। Pareto implies that in any given situations, social institutions will always be governed by these elite leaders. He implies that although the types of elite may change, there may be lion or there may be fox, but these institutions will always be governed by elites only. तो ये था आज का लेक्चर
विल्फ्रेडो परेटोस थियरी ऑफ एलिट थियरी ऑफ पावर के ऊपर. दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.